नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं धनंजय कुमार, आपका अपना YouTube चैनल भोजपुरी गंगा में स्वागत है। आज हम बातचीत करने वाले हैं खेसारी लाल यादव और पवन पांडे के बारे में, जो कि पिछले 4-5 महीनों से एक साथ नहीं नज़र आ रहे हैं। इसी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो में। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। आप लोग पवन पांडे को जानते ही होंगे, खेसारी लाल यादव जी के एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं, जो कि खेसारी लाल यादव जी को बहुत सारा हिट गाना दिए हैं, और पवन पांडे का लिखा हुआ गाना मार्केट में खूब ज्यादा धूम भी मचाया है। लेकिन पिछले 4-5 महीने से पवन पांडे का लिखा हुआ गाना खेसारी लाल यादव जी की आवाज में नहीं आ रहा है आप सभी के बीच। और एक गाना आने वाला था डोली में गोली मार दे 3 अप्रैल महीने में, लेकिन किसी कारणवश गाने को नहीं रिलीज किया गया। ऐसे तो डोली में गोली 3 गाने को लेकर 1 साल से मूर्ख मनाया जा रहा है पवन पांडे द्वारा। और देखिए डोली में गोली 3 गाना कब तक आप सभी के बीच आता है। ये तो रहा गाने की बात, लेकिन पिछले 4-5 महीनों से खेसारी लाल यादव और पवन पांडे एक साथ नहीं दिख रहे हैं। खेसारी लाल यादव जी कई बार बीच में छपरा गए हैं, पटना गए हैं, फिर भी खेसारी लाल यादव जी के साथ पवन पांडे नहीं दिखे। खेसारी लाल यादव और पवन पांडे एक साथ इस समय क्यों नहीं दिख रहे हैं, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। अंदर की बातें हैं, क्या है क्या नहीं है, लेकिन इस समय नहीं दिख रहे हैं एक साथ। बाकी इसके बारे में कोई भी नया अपडेट आएगा तो मैं आप सभी को अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगा। हाँ तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा अपडेट था, बहुत सारे लोग जानना भी चाहते थे, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया। और ये वीडियो यदि पसंद आया तो ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।